Welcome to the Medics Grip Point. Don't forget to like and subscribe. And to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here 0326559305. तो आज हम लोग देखेंगे अपने फिजिक्स के कुछ बहुत ही इस तरह के एम सी क्यूज जो कि थोड़े से ट्रिकी है, कंसेप्चुअल है। अगर हम उनको यहाँ पे सॉल्व करने की इजी से ट्रिक सीख लेंगे ना, और के एम सी क्यूज को हमने किस तरीके से लाइक समझ के सॉल्व करना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आज हम वही करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो हमने एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे, एम सी क्यूज लिए हैं फ्रॉम आर एम डी कैट पेपर जो था 2022 से। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एम सी क्यूज है जी यहाँ पे, अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स। ठीक हो गया जी, एक लॉन्ग स्प्रिंग है, हमने उसे स्ट्रेच किया है एक्स डिस्टेंस से, पोटेंशियल एनर्जी उसकी वी है। ठीक हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, वी पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग टू, ठीक है, ये चीज़ में नोट कर लें अपनी, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो अपने दिमाग में आपने नोट कर लेने हैं एंड पे, फिर हमने इन्हीं को इंटर रिलेट करके अपना जो है एम सी क्यूज सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट करना है जो इंक्रीज हो गई है लेंथ टू द एन एक्स। ठीक हो गया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी, ऑप्शन ही दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास थी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने पूछी है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx² ऑलराइट। बट उन्होंने हमें एमसीक्यूज में कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी वी, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस यू विद वी, है तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही सही हो गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा था जो डिस्टेंस है दैट वॉज एक्स, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू एन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे x की जगह पे डिस्टेंस एन एक्स हमारा इंक्रीज हो गया, जस्ट इसे पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर है ना यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में, अकॉर्डिंग टू दैट जो इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2 kn² एंड x². जब आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लाइक इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपने क्या करना है, जब आपने इसको सारा सॉल्व कर लिया ना, तो इसमें जो हमारा मेन फॉर्मूला था इसको अगर हम अलग कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास वी बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाइड हम कर देंगे, इसको हम वी लिख देंगे और जो बाकी सारा बचेगा उसे हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइक ये बन जाएगा जो हमारा इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की, वो क्या होगी, ये वी एन स्क्वेयर। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं, ओके वी एन स्क्वेयर या फिर एन स्क्वेयर वी एक ही बात है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। उन्होंने क्या कहा है जी, इग्नोरिंग द डिटेल्स एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन। और राइट, हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, फ्रिक्शन को हमने यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा फोर्सेज एग्जर्टेड बाय आर्म एंड लेग मसल्स एंड अदर फैक्टर्स। ठीक हो गया है, वी कैन कंसिडर द पोल वॉल्ट एज द कंजर्वेशन ऑफ एथलीट रनिंग काइनेटिक एनर्जी टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। This was the point that we have to keep in our mind while solving this MCQs. All right. तो kinetic energy क्या हो गई है, potential energy में change हुई है यहाँ पे। एक ही बात हमने याद रखनी यहाँ पे, पहली बात हमने क्या याद रखनी थी, हमने friction को ignore कर दिया। Okay. If an athlete has to lift his body by 5 meter, ये क्या है, इसका होगा height होगी कुछ, लाइक उसने 5 मीटर लिफ्ट किया है अपनी बॉडी को, तो ये हाइट है यहाँ पे, तो इसको भी हमने नोट किया। हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम देखते हैं उन्होंने हमसे पूछा क्या है, व्हाट स्पीड मस्ट ही हैव व्हेन ही प्लांट हिज बॉल। फाइंड आउट हमें क्या करना है, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने मेन मेन पॉइंट्स अपने माइंड में हाईलाइट करें, फाइंड आउट हमें स्पीड करनी है, हाइट उन्होंने हमें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही, तो क्या है ये इक्वल इसके, और फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल करेंगे, पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच एम सी एम कट, 1/2 v² इज इक्वल टू जी एच आ गया यहाँ पे, सही हो गया। इसको हमने स्पीड, ये जो है वी हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम अलग करेंगे किस तरह से, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर रह जाएगा, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी कुछ इस तरह फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, बस सिंपली हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी, जी की वैल्यू हमें पहले पता है, और हमने हाइट की जो वैल्यू है 5 पुट करनी है, और जो 100 का अंडर रूट होता है दैट इज़ 10, तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसका ये वाला आंसर 10 ms - 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
Now let's have a look at one more example. The number of revolutions in 3 pi radian is. ठीक हो गया, हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं 3 पाई रेडियन में. दीज आर द गिवन ऑप्शंस. तो पहले तो हमने इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, जो उसके बाद फिर हम उसे रीअरेंज करके इसके मुताबिक मॉल करके सॉल्व करेंगे. तो हमें पता है कि वन रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के. रेडियन को हमें पहले अलहदा कर लेना है. क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना था हम उसको बिल्कुल अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. 2 पाई को हम यहाँ पर लेंगे, हमें 3 पाई रेडियन में फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले हमने रेडियन को सेपरेट कर लिया. ठीक हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई इधर आके डिवाइड हो गया. वन रेवोल्यूशन बाय 2 पाई इज इक्वल टू हो गया रेडियन. हमें फाइंड आउट करना है 3 पाई रेडियन में कितने रेवोल्यूशन है. तो सिंपली हम 3 पाई को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास 3 पाई रेडियन में कितने आते हैं, 3 बाय 2 रेवोल्यूशन आ जाते हैं. यहाँ पे पाई से पाई कट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 3 बाय 2. यस, हियर इज इट. तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा. I hope that you people find it very helpful. Thank you so much.